गाइज वेलकम टू बैक टू माई न्यू वीडियो। तो आज हम इस प्रिंगल के डब्बे से कुछ अलग बनाएंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रिंगल के डब्बे में एक तरफ से होल होता है और एक तरफ से होल नहीं होता है, तो जिस तरफ से होल नहीं होता है हम लोग को उस तरफ से भी होल कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इसमें होल कर लिया है। तो अगर आपके पास प्रिंगल का डब्बा ना हो तो आप पेपर को भी सिलेंडर शेप में कट करके उसके पेस्ट करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को एक बैलून ले लेना है और उसको हमें एक नॉट बांध देनी है बिना फुलाए उस बैलून को, ओके। तो उसके बाद हम लोगों को फिर नॉट बांधने के बाद हम लोग को उसके ऊपर एक कट कर देना है छोटा सा, जिस तरीके से मैंने किया है, ओके। तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कुछ कलरफुल पेपर्स लेने हैं। अगर आपके पास वो ना हो तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं और कुछ भी ले सकते हैं जो भी आपको मन उसके अंदर फिल करने का। तो यहाँ पे मैंने कुछ पेपर ले लिए हैं, ग्लिटर शीट ली हैं और कुछ ब्लैक कलर के पेपर लिए हैं। आप लोग छोटे बड़े करके काटिएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। अभी हम लोगों ने जो बैलून था उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लगा लेना है, ओके। और अगर आपका बैलून बार बार फिसल रहा हो तो आप उसके ऊपर टेप भी लगा सकते हैं, ओके। तो अभी हम लोगों ने जो कट करे थे छोटे छोटे पीसेस, वो हम लोगों को इसके अंदर डाल देने हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, ये देखिए। आप उसके अंदर बहुत सारे भी फिल कर सकते हैं। और अभी मैं आपको इसको चला के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आप सभी लोग, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। 1, 2 and 3, ये देखिए कितना अच्छा लगा है। मैं आपको एक बार और करके दिखाती हूँ। 1, 2 and boom। और अगर आपको ये सिर्फ और सिर्फ इतने सस्ते में आपको पार्टी पॉपर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको फिर से रिफिल कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।